एनटीए दफ्तर के बाहर खड़ा हूं और ये जो परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं इस पर छात्र प्रदर्शन के लिए यहां पर आए हुए हैं, उनके साथ साथ कई पेरेंट्स हैं जो यहां पर आए हुए हैं। मैंने उनसे पूछा कि मैम आप हैं पेरेंट्स? उन्होंने कहा कि हैं। मैंने कहा बच्चे कहाँ हैं? बोले कि बच्चे आने की हालत में होंगे तब आएंगे ना। मानसिक स्थिति खराब करके रख दी है इस पूरे मामले में। चलिए उन्हीं से बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है और मेरी गुड़िया का नाम निधि है। उसका ये दूसरा अटेम्प्ट था, उसने 6-1 मार्क्स इसमें लिया है और उसने जिस दिन एग्जाम दिया था ना उसी दिन घर आके बता दिया था कि मेरा इस बार क्लियर है। हमारे घर में बहुत खुशी का माहौल था क्योंकि उसका दूसरा अटेम्प्ट था। हम भी खुश थे कि हमारी बेटी अब मेडिकल बनेगी। उसने सर को फोन करके बताया तो सर ने भी यही बोला कि आप अपने नाम के आगे अब डॉक्टर लगा लो, डॉक्टर निधि हो आप आज से, एग्जाम का टेस्ट आने से पहले ही। और जब 4 जून को रिजल्ट आ रहा है तो हमारी उस बेटी उस दिन मतलब रिजल्ट देख के खुश हुई। जब उसने अपनी रैंक देखी है तो वो हॉस्पिटलाइज है। वो अरे सपने टूट गए। सपने क्या, हमारा पूरा परिवार बिखेर दिया है एनटीए की तरफ से। हमारी बेटी में इतनी ताकत नहीं है कि वो आज यहाँ आ सकती। कोई दूर नहीं है गुड़गांव, यहाँ से वो आ सकती थी। गुड़गांव से आई? हम गुड़गांव से आए, लेकिन आज उसकी हालत ये नहीं है कि वो अपने लिए लड़ाई लड़के यहाँ खड़ी हो सकती। वो हॉस्पिटल में है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं आज क्योंकि उसको 2 साल हो गए। ये रियली स्टोरी है। प्लीज मैं अपने लिए नहीं आई, मैं उन सब बच्चों के लिए आई हूँ जिन्होंने 2 साल हो गए मेहनत करते हुए और वो आज अपनी सीट के लिए ऐसे लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्या उन्होंने मेहनत करके गलती करी थी? हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे बच्चे मेहनती हैं, ये हमारे बच्चों की गलती है। तो मैं सब पेरेंट्स से ये कहूँगी कि सब लोग निकलें प्लीज़। अगर अपने बच्चों के लिए न्याय चाहिए है तो आपको ऐसे नहीं मिलने वाला। अगर ये टेस्ट पैसों के आधार पर करते हो तो आप टेस्ट मत करवाइए। उन्हीं बच्चों को सीट दो जो करोड़ों रुपये आपको दे रहे हैं। हमारे बच्चों को क्यों झेलते हो? 2 साल कम टाइम नहीं होता लाइफ का? बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है अपनी लाइफ के। 2 साल बच्चा एक चीज़ को दे रहा है। अरे अगली बार भी ये क्लियर है कि वो एग्ज़ाम में फिर तैयार होके आएगी, क्या फिर सीट मिलेगी? इस चीज़ की कोई गारंटी है? अगली बार फिर स्कैम होगा, वो फिर बेड पे जाएगी, हम फिर लड़ेंगे, लड़ते लड़ते वो अपना सपना तोड़ देगी एक दिन। यही होने वाला है और यही होगा। नहीं, मामला कोर्ट में है, देखिए कुछ जल्दी से इसका हल निकलेगा। आप सर, आपके बच्चे ने भी एग्ज़ाम दिया था? मैं निधि का ही पेरेंट्स। आप दोनों निधि के ही पेरेंट्स? हाँ जी। उसके बाद रिजल्ट के बाद आपकी बात हुई थी उससे? रिजल्ट के बाद बच्चे से बात हुई थी। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन हमने स्कोर देखा 621, हम खुशी से झूम उठे। लेकिन तभी बच्चे ने पूरा जब रिजल्ट देखा और जब उसने रैंक देखी, जब उसकी रैंक 56,900 कुछ आई तो उसका मन टूट गया। सर ने बोला था कि आपकी रैंक इस बार 17,000-16,000 के अंदर आने वाली। लास्ट ईयर का एग्जाम उसने देखा था कि 6,000 बच्चों पे 600 नंबर पे 27,000 रैंक आ रही थी। इस बार वही रैंक 80,000 पे कैसे पहुंची है ये कोई बताएगा? रैंक ऊपर चली गई बच्चे की, बच्चा एकदम से वहीं पे बेड पे बैठ गया। पापा ये क्या हुआ, मेरे रैंक, मेरा तो एडमिशन नहीं होएगा। उस दिन से और आज का दिन है वो बच्ची उठी नहीं है। सर आप कहाँ से आए? सर मैं फरीदाबाद से आया हूँ। फरीदाबाद से आए? एग्जाम दिया था बच्चे ने? हाँ जी, मेरे बेटे का 620 स्कोर आया था। तीन साल हो गए उसको तैयारी करते हुए और उस टाइम जैसे ना बड़ी बुरी हालत में, उसको संभालने के लिए भी एक बंदा चाहिए। कहाँ है अभी? घर पे? हाँ जी घर पे है। मैं परेशान है। हाँ जी, तो उस टाइम क्या कहते हैं, और एनटीए हर बार चोरी करता है। पहले 1-2 रुपए चोरी करता था, आज इसने 100 रुपए चोरी कर लिए तो सबको पता लग गया। तो ये पेरेंट्स हैं जो साफ कह रहे हैं कि आरोप एनटीए पर है, इसकी जो कार्य प्रणाली है इस पर है, ये जो सफाई दे रहा है इस पर है। छात्रों का भी वही कहना है, आपके मैंने सुनाया जो पेरेंट्स हैं उनका भी यही कहना है। तो अब इस पूरे नीट में, नीट के एग्जाम में जो आरोप लग रहे हैं इसमें एनटीए वो संस्था जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, यही सवालों के घेरे में है। मैं विवेक श्रीवास्तव हूँ। जी 2020 से पहले किसी के 720 नहीं आते थे, जब से एनटीए ने संभाला है ना कार्यभार 720 नंबर आने लग गए। तो इसका मतलब पहले थोड़ी थोड़ी चोरियां करता था, ये 720 बच्चा कोई ला ही नहीं सकता किसी हाल में। हमने एक चीज देखो ना, जो कोचिंग सेंटर है उनमें टेस्ट होते हैं, उनके टेस्ट हल्के होते हैं ना, उसमें भी 720 बच्चा स्कोर नहीं ला पाता। एलन और आकाश तक के बच्चे भी नहीं 720 का स्कोर लाते, और जब एनटीए का टेस्ट होता है तो उसमें 720 नंबर कैसे आ जाते हैं? एनटीए की पूरी कार्य प्रणाली जो है वो सवालों के घेरे में है। लोग ये भी पूछने लगे हैं कि एनटीए जब से ये एग्जाम जब से ये करा रही है तभी से ये गड़बड़ियां शुरू हुई हैं, इसके पहले तो नहीं होती थी। मैं विवेक श्रीवास्तव हूँ एबीपी न्यूज के लिए एनटीए दफ्तर के बाहर से, और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मनीष उनियाल हैं।